हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे स्पेक्टैकुलर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन राजकोट मैग्निफाइज द सिटी। वाओ, पीएम मोदी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने मोदी जी की स्पीच भी सुनी थी, जिसमें उस स्पीच में वो बता भी रहे थे कि कितने एयरपोर्ट्स पहले थे, मतलब मोदी जी से की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले, और अब कितने हो गए हैं, और ये इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। कमाल है। और अभी और बहुत कुछ करने का इरादा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर, समृद्ध विरासत और आधुनिकता का मिश्रण है। अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के जीवंत बाजार क्षेत्र की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन कराते हैं। राजकोट में बड़ी संख्या में भारी एवं लघु उद्योग स्थित हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शहर एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जोन भी बनता जा रहा है। हवाई यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए राजकोट के हीरासर में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति से देश आज विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की। 2014 में जहां देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं आज 2023 में ये संख्या दोगुनी होकर 148 हो गई है। 2014 में जहां भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता 20 करोड़ थी, वो अब दोगुनी से भी अधिक 45 करोड़ हो गई है। भारत सरकार के अथक प्रयासों से देश के हर राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हुआ है। सड़कों से लेकर पुलों तक, मजबूत रेल नेटवर्क से लेकर हवाई अड्डों तक, देश के हर हिस्से में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। इसी दिशा में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2500 एकड़ से अधिक भूमि पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये डेनवर का भी ऐसे था ना, 3040 मीटर लंबा रनवे, टैक्सी ट्रैक और फायर स्टेशन इत्यादि निर्मित है। इस हवाई अड्डे के निकट गारिडा और दोसली घुना गांव के नजदीक बामनबोर सिंचाई योजना का एक चेक डैम स्थित था, जिसके जल को रनवे के नीचे से निर्बाधित रूप से प्रवाहित करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 754 मीटर लंबा तथा 34 मीटर चौड़ा एक बॉक्स कलवर्ट बनाया गया। देश के किसी भी हवाई अड्डे पर रनवे के नीचे बनने वाला ये सबसे लंबा कलवर्ट। मुझे तो पहला लगा। इस हवाई अड्डे पर 14 हवाई जहाजों को पार्क किया जा सकता है, और ये 180 यात्रियों को समाहित करने वाले बड़े विमान जैसे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 के संचालन के लिए भी उपयुक्त है। ये टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 500 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। Beautiful. और निकट भविष्य में विस्तारीकरण के अंतर्गत इसकी एक समय में एक साथ 2800 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता है। गुजरात एक उन्नत राज्य है, और यहाँ हर प्रकार की यातायात सुविधाएं विकसित है। एक तरफ यहाँ का लगभग हर जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है, तो प्रदेश में 11 हवाई अड्डों के साथ कई बंदरगाह भी स्थित है। राजकोट में क्षेत्र के इस सबसे बड़े व नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से न केवल राजकोट बल्कि राज्य के मोरबी, थानगढ़, शापर, गोंडल, जैतपुर, जूनागढ़ सहित अन्य प्रसिद्ध निकटवर्ती क्षेत्र जैसे द्वारका, सोमनाथ, गीर को भी लाभ होगा। नया हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज्य में पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कमाल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है।
मुझे तो, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक था ही नहीं क्या, तो अब आया है. और क्यों? ताकि टूरिज्म बढ़े, बाकी चीज़ें तो होंगी. अब लोगों को दूसरे कहीं दूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके फिर उसके बाद आप टैक्सी लो या कुछ लो और अपने एरिया में जाना है, जो जहाँ पे जैसे राजकोट जाना है तो आपको वो लेके आओ, वो नहीं होगा. आप सीधे डायरेक्ट फ्लाइट इंटरनेशनल ले लो, यहाँ लैंड करो और यहाँ से जो आपके जगह है वहाँ पे आप पहुँच गए. तो कितना कन्वीनियंट है. और जिस तरह से दिखा रहे थे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए फोकस, वो भी है कि भाई अगर इंटरनेशनली किसी को आना है घूमने के लिए, ये नहीं कहीं और से जा रहे हैं फिर दूर से आ रहे हैं वहाँ से लेके बसें वसें या टैक्सी, सीधे यहाँ लैंड करो, होटल पहुँच जाओगे और वहाँ से अपना जो भी आपका प्रोग्राम है करो. देखिए, हर स्टेट को देखना है अपनी प्रोग्रेस. वो तो गुजरात में जो छोटी सिटीज़ थी, सम वॉट छोटी सिटीज़ थी, वो ज़्यादा ग्रो करेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो रहा है. सिमिलरली मोदी जी के टाइम से, जब वो सीएम थे तब से वो बड़ा उसको कर रहा है. हर एक स्टेट को अगर पॉलिटिक्स से फुर्सत मिले तभी वो अपने स्टेट की देखभाल. पॉलिटिक्स नहीं, मैं कहूँगी करप्शन से फुर्सत मिले. तो जितने भी स्टेट्स जो अच्छे नहीं कर रहे हैं उनमें उनको पॉलिटिक्स की पड़ी है, अपनी गद्दी की पड़ी है, करप्शन है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स उन लोगों को, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा सके. जो अच्छे स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं चलिए फोकस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अपने स्टेट को आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये सिटी राजकोट आगे बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत उनको एडवांटेज होती है. इसीलिए मेरे ख्याल से हर एक स्टेट वालों को देखना चाहिए क्या कर रहे हैं. योगी जी सही पाथ पे जा रहे हैं कि वो अपने स्टेट को आगे लेके जा रहे हैं. सिमिलरली बिल्कुल, और यही चीज़ें वोटर्स को इवेंचुअली दिखनी चाहिए. दिखे ना, कई बार तो कमेंट सेक्शंस को देख देख के मेरे को तो इतना हैरानी होती है कि जिन, किस टाइप की सोच के लोग आ रहे हैं यहाँ. जिन जिन स्टेट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही फिर भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कैसे जीत जाते हैं, नोबडीज नोस. उसके पीछे लोगों ने समझाया वो रेवड़ी कल्चर है, फ्री दे 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 के वो लोग जीत रहे हैं. मगर बहुत ही अच्छा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. इसमें एयर इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होने वाला है. ओह यस, जो एयर इंडिया इवेंचुअली ये करेगी, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी करेगी. ऐसा नहीं है कि सारी फ्लाइट्स दिल्ली ही आ रही हैं, मुंबई आ रही हैं या और कोई बड़े एयरपोर्ट में आ रही है, वहाँ से छोटी छोटी फ्लाइट जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा. डायरेक्टली एयर इंडिया बोलेगी देखिए हमने एक वीक में, शुरुआत ऐसे होगा एक वीक में एक फ्लाइट कर रहे हैं जो राजकोट से बाहर जाएगी जहाँ मैक्सिमम लोगों को जाना है. उससे धीरे धीरे कनेक्शंस बनेंगे और ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा. बिल्कुल बिल्कुल. अगर किसी को लग रहा है कि हर बंदे ने दिल्ली जाना है, बोले दिल्ली नहीं जा सकते, हम राजकोट जा सकते हैं, हम किसी और सिटी में जा सकते हैं, डायरेक्टली नोएडा में जा सकते हैं, उससे ये होगा कंजेशन जो है कम होगा. बिल्कुल, और लोगों का टाइम भी वेस्ट कम होगा. यस, सो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, अमेजिंग. और अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मोदी जी ने ये भी बताया था, मैंने जब उनकी स्पीच सुनी थी वो ये भी बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनने वाला है, उन्होंने ये भी बताया. और एक और पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था, देखिए हर एक और स्टेट में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें अगर आप जो भी लगा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ दो लैंग्वेज में लगा रहे हैं कि एक तो उस स्टेट की लैंग्वेज और इंग्लिश, तब आप ये पोर्ट्रे करें पूरे वर्ल्ड को कि इंग्लिश ही कॉमन थ्रेड है, हिंदी में जो नहीं होना चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए सारा. क्योंकि हर स्टेट में वही है कि एक जो लोकल जो लैंग्वेज है उस स्टेट की वो लिखी हुई है, हिंदी साथ में इंग्लिश लिखी हुई है, एक यूनिवर्सल. तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट से जो आ रहा है उसको इंग्लिश आनी चाहिए, दैट इज व्हाट यू आर अज्यूमिंग, जबकि इसको इवेंचुअली चेंज होना चाहिए. और यस, और दिल्ली वालों जो गलत फहमी में हो गए, जब वो म्यूजियम बनेगा ना तो प्लीज ये मत सोचना केजरीवाल ने बनाया है, मोदी जी बना रहे हैं. ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.